फुल फेज में उनका हैंड का हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ये हैंड इंटर हुआ, हैंड इंटर होने के बाद वो ऐसे मोड़ लेते हैं ऐसे, और फिर ऐसे पुल करते हैं। अब देखिए जैसे पानी ये है, अगर आप ऐसे पुल करेंगे तो पानी तो आपका हाथ काटते हुए चला जाएगा ना, वो तो कोई प्रेशर डालेगा ही नहीं। तो अपने हाथ को ऐसे 90 डिग्री पे मतलब उसको करना है, और देन उसको ऐसे पुल करना है, ऐसे देन ऐसे आप जब पुल करेंगे ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कैच करके पीछे फेंकेंगे अपने बॉडी के, तब आपकी बॉडी आगे जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका हैंड इस तरह होना चाहिए जब आप पुल कर रहे हो, ना इस तरह होना चाहिए ना इस तरह होना चाहिए। जो पुल फेस का हैंड मूवमेंट है उसको अभी तो पानी में भी तो मैं बताऊंगा ही। एक आप लाइव मतलब ऊपर एग्जांपल मैं इस चेयर का लेता हूं, जैसे ये वाटर है, पूरा वाटर सरफेस है, ठीक। मैंने हैंड यहां पे अपना डाला, अगर मैं ऐसे पुल करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा जिस हैंड का सिर्फ इतना पार्ट है, ये सिर्फ इतना पार्ट ही इस पे टकरा रहा है। अगर मेरा हैंड इस तरह होता है तो ठीक है, अगर मेरा हैंड इस तरह होगा तो इतना ही होगा और मुझे ज़्यादा वो पावर फील नहीं होगी और प्रेशर भी नहीं जनरेट होगा हैंड से। लेकिन वहीं अगर मेरा हाथ इस तरह होता है, इस तरह रहेगा, तो देखिए इतना पार्ट मेरा हैंड का इंगेज होगा वाटर को पीछे खेलने में। तो जब ये पार्ट जितना ज़्यादा पार्ट मेरा हाथ इंगेज होगा उतना ज़्यादा मुझे सरफेस एरिया मिलेगा पुल करने के लिए, तो प्रेस करने के लिए पीछे, तो उतना ही ज़्यादा मैं पीछे पानी प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, मतलब ये चीज़ बेसिक साइंस होती है कि कितना आपका पार्ट इंगेज हो रहा है पानी को पुल करने के लिए। तो पानी में भी सेम वही चीज़ होता है कि अगर आप हाथ इस तरह करेंगे तो आपका सिर्फ इतना पार्ट इंगेज होगा वाटर के साथ, तो वो आपको उतना जनरेट नहीं कर पाएगा आपका पावर। और वही चीज़ अगर आपका हाथ आगे 90 डिग्री पे रहेगा तो जितना आपका हाथ की सरफेस एरिया उतना ज़्यादा सरफेस एरिया से वो आप पानी को पीछे की ओर पुल करेगा। बाकी मिस्टेक्स जो होगी वो भी मैं धीरे धीरे बताऊँगा, और अभी पानी में भी चलते हैं, फिर वहाँ पर भी देखते हैं कि इस स्ट्रेट आर्म का जो मैंने बताया हैंड का एंट्री कैसे होनी चाहिए, वो भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया था कि हैंड का पोजीशन क्या होनी चाहिए, बहुत लोग ऐसे पुल करते हैं, बहुत लोग ऐसे पुल करते हैं, तो देखो वो क्यों नहीं करते हैं, मतलब क्यों नहीं किया जाता है, उसका रीज़न क्या होता है कि देखिए जैसे मेरा हैंड ये इंटर किया, अगर मेरा हाथ इस तरह है तो देखिए ये प्रेशर बन रहा है क्या, ये तो पानी मेरा हाथ खुद ही काटते हुए चला जा रहा है पीछे, ये कोई प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये हैंड था तो इस तरह होता है, पानी कट रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही तो वाटर सरफेस पे टकरा रहा है, इतना ही तो टकरा रहा है, इसी जो प्रेशर बन रहा है वो इतने से ही तो बन रहा है, तो इससे कोई पुल आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। सेम इस चीज़ इसी तरह अगर इस तरह कोई पुल कर रहा है तो भी नहीं होगा, तो भी इतना ही पार्ट वो टकराएगा, ठीक। और लेकिन यही चीज़ अगर ये चीज़ है इसको ये कर लेते हैं तब देखिए आपको देखिए फर्क दिख जाएगा कितना प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको खुद दिख जाएगा कितना प्रेशर बन रहा है, ये है ना ये, और अभी यही चीज़ इस तरह है, कुछ बन रहा है क्या, ये तो पानी मेरा हाथ खुद ही काटते हुए चला जा रहा है। और यही चीज़ अगर ये है तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये 90, ये वाटर सरफेस है, 90 डिग्री पे आपको ऐसे रखना है, ठीक। और दूसरी चीज़ है, बहुत लोग जैसे इस तरह हाथ इस तरह होना चाहिए, जैसे हल्का हल्का आपको बीच में गैप दिख रहा होगा, ये नॉर्मल है, इसी तरह होता है। बहुत लोग क्या करते हैं एकदम इस तरह बना लेते हैं, इस तरह। तो आप खुद बताइए इस तरह और ये, इसमें से सरफेस किसका ज़्यादा बड़ा है, इसी का सरफेस ज़्यादा बड़ा है ना, इसका तो ज़्यादा बड़ा है नहीं कि इसका ज़्यादा बड़ा, ये तो मतलब एक हिसाब से छोटा हो गया सरफेस। अब देखिए ये चीज़ है ना, इसके पीछे छुप जा रहा है, ठीक। तो ये सरफेस ज़्यादा बड़ा हुआ इससे, तो जिसका ज़्यादा सरफेस बड़ा होगा वो ज़्यादा पानी खींचेगा ना, इन कंपेरिजन टू जिसका छोटा है, जिसका वाटर सरफेस छोटा है उससे पानी जितना खींचेंगे हम तो, और जिसका सरफेस ज़्यादा है उससे जितना पानी खींचेंगे तो उसमें से जिसका सरफेस ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा हम पानी कैच करके पीछे फेंक पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो इस तरह सब बना के पुल करते हैं उस तरह नहीं किया जाता, इस तरह पुल नहीं किया जाता, बल्कि एक स्ट्रेट हैंड हल्का सा कर्व हो सकता है, एकदम टाइट भी नहीं हो सकता, हल्का सा कर्व हो सकता है, और बीच में जो हल्का फुल्का गैप होता है ना उस पर ध्यान नहीं देना, वो उतना होना चाहिए। अगर उतना भी नहीं होगा ना तो आपका जो हैंड होगा वो ऐसे लहराएगा, वो लहराने लगता है। जैसे अभी जिस तरह मैं अभी आपको एग्जांपल दूँ, तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाइल्स होगी, एक ये टाइल्स होगी, जिस तरह मान लीजिए ये टाइल्स है, आप देखिए इसमें कोई गैप नहीं, ये मान लीजिए मेरा हैंड है, ठीक, कोई गैप नहीं है। तो अभी आप देखिए कैमरे से दिखाना कोशिश करूँगा कि ये ऐसे लहराएगी बॉडी, ये देखिए ऐसे लहराएगी, ऐसे लहराने लगती है बॉडी ये, तो यही चीज़ होता है। अगर इसमें छेद होता तो ये क्या होता है, एकदम सीधे ऐसे नीचे चला जाता है, ये टाइल्स एकदम सीधे नीचे चली जाती है, तो हाथ
हाथ में भी सेम चीज ही होता है, अगर ये गैप है ना तो ये गैप होने का कारण ये होता है जब हम पुल करते हैं तो हम लोग का हाथ डिसबैलेंस नहीं होता, एकदम सीधे पुल हो जाता है। अगर यही चीज एकदम स्ट्रेट रहेगा तो ऐसे ऐसे पुल होने लगता है। बहुत लोग का हाथ आप देखते होंगे, जो आप खुद भी करके देखेंगे, अगर आपका हाथ एकदम गैप नहीं है, दो मतलब उंगलियों के बीच में गैप नहीं है, तो आप जब पुल करेंगे ना तो आपका हाथ ऐसे 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 डिसबैलेंस होने लगेगा। ये रीज़न होता है कि हम लोग पुल इस तरह करते हैं, इस तरह नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी स्मॉल टिप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आप जब आप स्विमिंग सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। एंड हाँ, गिव अवे जो चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। गिव अवे का सारी डिटेल्स मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।